नमस्कार उस वेलकम बैक टू चैनल वेल्स सगाज एटीन ऑफ जुलाई 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर थर्सडे का दिन निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 39 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है एशियन मार्केट्स में तो और भी डीप कट्स दिखाई पड़ रहे हैं बट डाओ जोन्स इज चेयरिंग वन पॉइंट्स प्लस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई भी ज्यादा खास हरकत नहीं हुई मार्केट वॉज अप अल्टीमेटली इट क्लोज डाउन निफ्टी बैंक वॉज डाउन फिफ्टी नाइन परसेंट निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी वॉज जस्ट फ्लैट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट्स मैनेज किया निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर रखा है येस जिन स्टॉक्स में अक्यूलेशन दिखाई पड़ रहा था अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहा था इंडिया सीमेंट फिर चोस फाइव परसेंट और इसका चार्ट अभी भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है पिरामल इंटरप्राइज बॉज थ्री परसेंट आप कोल्ड इंडिया बोस् टोज थ्री परसेंट आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम वॉज ऑलमोस्ट थ्री परसेंट आप मेरे हिसाब से तो दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही नहीं बल्कि आई सजेस्ट यू टू स्टडी ऑल ओ एम सी स्टॉक्स फिर चाहे वो बी पी सी एल हो फिर चाहे वो आई हो या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो और ओ ऑलरेडी भाग चुका है दस बारह परसेंट भाग चुका है इन लास्ट टेन डेज़ तो इस पूरे के पूरे एंटायर ऑयल एंड एनर्जी के सेक्टर पे आपकी नजरें होनी चाहिए टॉप लूजर्स के बारे में बात करें एच वाज एल वॉज थ्री परसेंट डाउन एच डी एफ सी एम सी डिस्पाइट पोस्टिंग गुड रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट टू एंड हाफ परसेंट डाउन उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है दोस्तों कि स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है इसके चार्ट को जब मैंने आपसे स्टडी किया था तब मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस करी थी आपके साथ समझाया था डिटेल में कि द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी रनअप फिफ्टी सिक्सटी परसेंट इन जस्ट लास्ट फाइव टू सिक्स मंथ्स, अब पचास साठ परसेंट अगर एक स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होगा और उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे डबल डिजिट पंद्रह बीस परसेंट के आसपास ऑफ़ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी आर एसी वॉज टू एंड हाफ परसेंट डाउन एंड एल टी टी एस वॉज ऑल्सो टू एंड हाफ़ परसेंट डाउन बात करें कमोडिटी सेशन की गोल्ड में आग लगी हुई है सेवेंटी फोर थाउजेंड के लगभग को ब्रीच कर चुका है सिल्वर इज ट्रेडिंग एट नाइन्टी टू थाउजेंड बाकी कल के दिन इंटरेस्टिंगली क्रूड में बहुत समय के बाद क्रूड ऑयल में निगेटिविटी बने से नेगेटिविटी मतलब उसके प्राइस को का बढ़ना इंडिया के लिए नेगेटिव है तो क्रूड ऑयल में आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़ी जो कि इंडिया के लिए नेगेटिव है लेकिन नेचुरल गैस वो ऑलमोस्ट सिक्स एंड हाफ परसेंट डाउन लेकिन इंडिया के लिए दोस्तों माइनस सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के ही हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल बहुत समय के बाद इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज फिर चाहे यूरो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जाप, जापनीज येन या फिर यूरो तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है बट हाँ ओवरऑल हर एक करेंसी के अगेंस्ट इंडियन रूपी वॉज परफॉर्मिंग बेटर अब बात आती है मसला यह है कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं निफ्टी फिफ्टी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 26 पॉइंट्स की तेजी थी क्लोजिंग हुई 24,613 अगर आप देखें दोस्तों पिवट पॉइंट्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं पचास पचास पॉइंट की रेंज में पिवट पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो जो बिल्कुल रेंज बाउंड सेशन होता है बीस बीस पच्चीस पच्चीस पॉइंट मूव करेगा तो पिवट पॉइंट्स क्लोज हो जाते हैं और जब पिवट पॉइंट्स क्लोज हो जाते हैं तो ये एक वाला टाइल मूव को का इंडिकेशन होता है एक डायरेक्शनल मूव का इंडिकेशन होता है अब ये कभी भी फट सकता है आज के दिन एक्सपायरी है बी कॉशियस निफ्टी बैंक में 59 पॉइंट्स की गिरावट थी क्लोजिंग हुई 52,397 इंपॉर्टेंट लेवल 52,550 ब्रीच करता है डेढ़ सौ पॉइंट की अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है नीचे के लेवल में फिफ्टी टू टू फिफ्टी इज इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है तो फिर आपको यहाँ पर भी सौ डेढ़ सौ पॉइंट की डाउन दिखाई पड़ेगी वेर वी एवर एज इफ़ वी टॉक अबाउट एफ आई आईज तो एफ आई एज़ ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाइंग करी थी निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ट्वेल्व सेवेंटी वन करोड़ों की फ्रेश बाइंग करी है एफ आई एज़ ने और डी आई एस ने सेलिंग करी है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन करोड़ वर्थ हो स्टॉक्स की अच्छा स्टॉक्स इन बैंड के बारे में बात करें तो बलरामपुर बलरामपुर चीनी ये फ्रेश हुए हैं और चंबल जे एंड एफ़ सी आर बी एल बैंक जी एम आर तो पड़े ही हुए थे तो दी स्टॉक्स इसमें कि ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स हैव नॉट कम गुड एल एंड टी फाइनेंस आदित्य बिरला मनी जस डायल इंटरेस्टिंगली दोस्तों इन दोनों चार्ट्स को हमने स्टडी भी किया था काफ़ी पोटेंशियल भी दिखाई पड़ रहा है इनफैक्ट कल शाम को जस डायल के हम लोग ने लेवल्स भी डिस्कस किए थे ऑन टेक्निकल चार्ट दोस्तों वीडियो अगर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फंड रेजिंग की न्यूज़ है शारदा एनर्जी में इसके अलावा कोलते पाटिल में न्यूज़ आ रही है कोलते पाटिल ये रियल स्टेट कंपनी है जो कि महाराष्ट्र में स्पेशली अगर हम मुझसे पूछें तो पुणे एरिया में अच्छा खासा इनका रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर ये डिवेलपमेंट करके अपने फ्लैट्स वगैरह बेचते हैं तो कलेक्शन पिछले साल के कंपेरिजन में नाइन्टीन ऊपर है लेकिन सेल्स वॉल्यूम्स फ्लैट हैं पेटीएम के बारे में बात करें तो उन्होंने फ्लिक्स बस के साथ पार्टनरशिप करी अब आपको लग रहा होगा ये फ्लिक्स बस क्या है तो फ्लिक्स बस एक कंपनी है एक ऐप है जिसके तहत आप बस को बुक कर सकते हैं दोस्तों पेटीएम के पास क्या है रिटेल यूजर्स हैं वही पे टी एम को रोटाइप आना छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस करने वाले लोग हैं और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने वाले लोग ही बस में ट्रैवल करते हैं जो बड़े बड़े करते हैं वो लोग तो सीधी सी बात है वो प्रेफर टू गो इन देयर ओन वहीकल्स और दे विल प्रेफर टू गो विद ओला एंड ऊपर तो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है मेरे हिसाब से तो मार्केट इट पॉजिटिवली दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा टेलीकॉम स्टॉक्स के बारे में बात रहे हैं। तो टेलीकॉम के रिजल्ट नंबर्स आए थे मे मंथ के एयरटेल ने का जो सब्सक्रिप्शन ग्रोथ है सॉलिड है सिक्सटी बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल मंथ जियो ने 21.95 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं आई ने 7.35 लाख थ्री फाइव सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं अब दोस्तों ये तो हो गया मेगा डाटा इंटरेस्टिंग तो दोस्तों जून का होगा क्योंकि जून में इन सभी ने अपने अपने रेट्स बढ़ाए थे अब रेट्स बढ़ाने के बाद कई सारे लोगों ने तो बी एस एन एल में स्विच कर लिया है इस तरह की न्यूज़ आ रही है आई डोंट नो फिलहाल मैंने तो भी बी एस एन एल में स्विच नहीं किया है आई एम स्टिल यूजिंग एयरटेल बट आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग वन बी एस एन एल साम एज वेल सो आई एंड अप हैविंग बोथ टी वी एस मोटर्स के बारे में बात करें टू हंड्रेड मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है नॉर्टन मोटरसाइकल्स में सो so, uh, इसके तहत वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को और अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं पहले भी थे ऐसे नहीं है दे वर अग्रेसिवली एक्सपेंडिंग देयर फुटप्रिंट्स एंड इन द सेम सीक्वेंस दे हैव डन इन्वेस्टमेंट ऑफ टू हंड्रेड मिलियन इन नॉट टन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में प्लूटस वेल्थ ने ट्वेंटी फाइव लैख शेयर बाई किए हैं सो दैट समथिंग वॉड यू शूड बी अवेयर एंड यू कैन स्टडी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जी हमारे एयरपोर्ट का जो ट्राफिक है एयर ट्राफिक है वो पिछले साल का कंपेरिजन में एट परसेंट बढ़ा आप कहेंगे सर एट परसेंट बढ़ाना कोई बढ़ाना होता अरे भैया एट परसेंट की बढ़ोतरी इज़ इज़ रीजनेबली हाई एशियन पेंट्स के आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट थोड़े से पुअर थे तो आ, इनके ऊपर आज प्रेशर दिखाई पड़ेगा स्पाइस जेट के सी एफ ओ ने ही रिज़ाइन कर दिया कि भैया रिजल्ट ख़राब आए हैं मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ तो ये हैज़ रिज़ाइन तो आज स्पाइस जेट पर प्रेशर दिखाई पड़ सकता है बजाज फिनेंस को देखिए दो करोड़ की पेनल्टी है आईआरडीआई की आईआरडीआई के मुताबिक ना तो एक कस्टमर का डेटा सही से, से मेंटेन कर रहे थे कुछ इंसेंटिव्स uh, को लेकर के भी इश्यूज थे तो बेसिकली दो करोड़ के पेनल्टी में वैसे बजाज फिनेंस को तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा बट दीज आर यू नो क्रिएट बैड टेस्ट एंकर लॉकिंग पीरियड ओवर हो गया है राशि पेरीफेरल का सो दैट्स वॉट यू शुड बी अवेयर एंड टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करें वेल्थ सागा ओरिजिनल एंड यू कैन ज्वाइन दैट जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे यू लर्न अ लॉट तो लास्ट शोटिंग सेशन में जो रिजल्ट्स आए थे बजाज ऑटो ए बी मनी एल टी एफ के रिज़ल्ट गुड इसके अलावा जुबिलेंट इन के रिज़ल्ट गुड है ना दीज वर दी गुड रिजल्ट्स जस्ट जेल के वर आउटस्टैंडिंग स्टैंड आज के दिन के बारे में बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं एलटीटीएस टाटा टेक्नोलॉजी परसिस्टेंट आईटी हेवी हैवी आज के दिन रिजल्ट्स रहेंगे डैलमिया भारत सी एट हैवेल्स पॉलीकैप के भी रिजल्ट आने हैं आज के दिन सेंट्रल बैंक भारत बिजली ग्रैंडविल नॉर्टन जे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी नतीजे आने हैं पॉली की रैलिस ने अभी रिसेंटली अच्छी खासी रैली लगाई है नज़र रखो रैलिस पे कैसे रिजल्ट आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर टनला एस ए ब्लू सुरास स्टर्लिंग एंड विल्सन टाटा कम्युनिकेशन साउथ इंडियन बैंक ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर कि आपकी नज़रें होनी चाहिए स्टडी करिए एशियन पेंट स्टडी करिए अडानी ग्रीन गुड रिजल्ट के ई इंटरनेशनल जियो फिनेस एच यू वेल एंड यू कैन कीप एन एंड रेलवे स्टॉक्स एज वेल क्योंकि आरवी एन एल को ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे एक सौ पचास करोड़ के फ्रेश ऑर्डर मिल जाते हैं सो वीडियो पसंद आया डो नॉट फर्गेट टू स्मार्ट लाइक बट एंड डू शेयर विद य फ्रेंड्स अंटल देन पाई फे नाउ